चिड़ियाघर काले चमड़े के इंसानों का एक साथी तक था। इस भयानक तस्वीरों को देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि ये किसी ऐसी जगह की तस्वीरें हैं जहां इंसानों को जानवरों की तरह रखा गया है। दरअसल ये तस्वीरें एक ह्यूमन जू की है, यानी मानव चिड़ियाघर की, जो आज से 60 साल पहले भी चालू था। चौंकाने वाली इस तस्वीरों से पता चलता है कि दुनिया भर में इंसानों को भी कभी चिड़ियाघर में रखा गया था। इसलिए अब आप ये कभी मत सोचना कि चिड़ियाघर में सिर्फ जानवर को ही रखा जाता है। इस वीडियो को देखकर आपको पूरा यकीन हो जाएगा, इस जू में ठीक उसी तरह लाचार इंसानों को पिंजरे में बंद रखा जाता था जैसे कि किसी जानवर को रखा जाता है। इतना ही नहीं, हैवानियत ऐसी थी कि इन्हें तड़पता हुआ देखने के लिए बहुत जन समागम होते थे। धर्मसार कर देने वाली ये हकीकत यूरोप के इतिहास में दर्ज है। यहाँ कई देश ऐसे थे जहाँ उस दर में ये सब आम बात हुआ करती थी। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से इन देशों ने ऐसी पहचान बना ली थी। यहाँ इंसानों की जानवरों के जैसे प्रदर्शनी लगाई जाती थी। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती थी। सन 1800 से 1900 में यूरोप में ह्यूमन जू काफी पॉपुलर थे। पेरिस, हैम्बर्ग, जर्मनी, बेल्जियम, बार्सिलोना, स्पेन, लंदन, मिलान, पोलैंड, सेंट लुइस जैसी जगह पर ह्यूमन जू बनाए गए थे। या व्हाइट पीपल यानी सफेद चमड़े की लोग काले चमड़े मतलब ब्लैक पीपल को देखने के लिए आते थे, जिन्हें फेसिंग या केज में पेश किया जाता था। ह्यूमन जू के लिए असेतों को किडनैप करके भी लाया जाता था और उन्हें लोकल जू में जानवरों के साथ रखा जाता था। बता दें कि इंसानों की प्रदर्शनी में अफ्रीकी उपजाति से लेकर अमेरिका के मूल निवासी शामिल होते थे। सन 1889 में पेरिस शहर में इंसानों के लगे वर्ल्ड फेयर में 1,80,00,000 लोग पहुंचे थे। इससे साफ है कि उस दर में ह्यूमन जू का लोगों में कैसा क्रेज था। सन 1931 तक काले चमड़े की इंसानों को पकड़ कर लाया जाता था सिर्फ सफेद चमड़े की इंसानों की मनोरंजन के लिए, और उन्हें मजबूर किया जाता था विभिन्न संकेतों के माध्यम से इन सफेद चमड़े के इंसानों को मनोरंजित किया जाता था। कभी कभी इन्हें नेकेड करके भी प्रदर्शित किया जाता था। उस समय ये लोग सिर्फ एक व्यावसायिक वस्तु के तौर पर दिखाया जाता था, साथ ही साथ इनके ऊपर निर्दय अत्याचार भी किया जाता था। इन्हें पर्याप्त खाना नहीं दिया जाता था, छोटे छोटे पिंजरों में रखा जाता था। कोई अगर बीमारियों से मर जाता तो फेंक दिया जाता था। इन लोगों की कोई स्वतंत्रता नहीं थी।